फेस्टिव सीजन में ऑटो कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कई आकर्षक ऑफर्स लेकर आ रही हैं। मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरएस कलसी का कहना है कि कंपनी फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट दे सकती है। मैं कहूंगा कि हमारे लिए हर महीना एक फेस्टिवल सीजन की तरह ही रहता है, तो जो स्कीम्स हैं वो कंपटीशन ड्रिवन है, नॉर्मली मार्केट ड्रिवन है, परंतु हम लोग मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हमारे दो मॉडल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, बलेनो और ब्रेजा, जिसके ऊपर वेटिंग भी है, और इसके अलावा हम लोगों ने स्विफ्ट का एक लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है अभी, स्विफ्ट डेका। तो और बाकी हमारे जो दूसरे मॉडल्स हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, चाहे वो लिमिटेड एडिशन के थ्रू हो, चाहे वो स्पेशल एडिशंस हों। तो ओवरऑल एक अच्छा अभी माहौल है और कस्टमर की हमें अच्छी सपोर्ट मिल रही है, और फेस्टिवल सीजन के चलते जो स्कीम का सवाल है वो कंपटीशन ड्रिवन होगी कि किस तरह से मार्केट उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। पहले तिमाही में शानदार ग्रोथ के बाद अब दूसरी तिमाही में ऑटो कंपनियों को 8-10% ग्रोथ की उम्मीद है। त्योहारों को लेकर भी ऑटो कंपनियां बुलिश हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मुताबिक त्योहारों में इस बार शानदार डिमांड देखने को मिल सकती है। फर्स्ट क्वार्टर जो इस फाइनेंशियल ईयर का है वो अच्छा रहा ऑटो इंडस्ट्री के लिए, हमारी 8-10% ग्रोथ हुई थी, और हमारी उम्मीद है कि जो सेकंड क्वार्टर है जिसमें फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगी उसमें भी अच्छी ग्रोथ रहेगी। जो ग्रोथ नंबर हम इंडस्ट्री की तरफ से देख रहे हैं 8-10% सेम ग्रोथ दैट इन Q1 वी हैड, दो द फेस्टिव सीजन इटसेल्फ जो कि अक्टूबर महीने में रहेगी उसमें हमारी ग्रोथ कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। ट्रैक्टर फार्म इक्विपमेंट की जो अभी सिचुएशन है वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। हमारे फर्स्ट क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ रही मार्केट की, करीब 14%, महिंद्रा की ग्रोथ उसमें 21% रही, हमारा मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ गया। तो अगर हम उस चीज़ को देखें और सेकंड क्वार्टर में उसको हम एक्सट्रापोलेट करें तो हमारी उम्मीद है कि सेकंड क्वार्टर में ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर से कुछ अच्छी ही रहनी चाहिए, यानी कि हाई टीन्स में ग्रोथ होनी चाहिए इंडस्ट्री की। फोर्स मोटर्स के अभय फिरोदिया कहना है कि डीजल कारों के लिए विवाद नहीं करना चाहिए। फिरोदिया के मुताबिक डीजल गाड़ियों पर बैन से प्रदूषण नहीं हटेगा और BS6 नियम लागू होने से गाड़ियां 50,000 से 1,00,000 रुपए तक महंगी होंगी। ये जो अभी लास्ट 6-7 महीने का साल भर का पीरियड गया जिसमें डीजल को लेकर बड़ा बवाल हुआ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्लैरिटी चाहिए। हमारे देश में हर 5 साल से आप नया स्टैंडर्ड लाते हो, दुनिया भर का तरीका है कि 10 साल के बाद में आप एक पायदान पर से दूसरे पायदान पर जाते हो। ये जब होता है तो एक अच्छी तरह से उसका डेवलपमेंट हो सकता है, कॉस्ट घटती है, क्वालिटी बढ़ती है, तो और ये सब करने में सुविधा रहती है। ये जो एमिशन नॉर्म्स नए आएंगे उसके वजह से कीमतें कितनी बढ़ेंगी, करीबन 50,000 से 1,00,000 रुपया कीमत बढ़ सकती है गाड़ी की, डिपेंड ऑन द साइज कि इतना बड़ा इंजन है वगैरह वगैरह, कितनी बड़ी गाड़ी है, और ये इनेविटेबल है। शॉर्ट रन में इसका बुरा असर होता है, लोग प्रीपोन कर लेते पुरानी गाड़ियाँ खरीदने का और पोस्टपोन करते हैं नए स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ खरीदने का, तो एक प्रकार का डिसकंटिन्यूएशन इसके वजह से होता है, इसका बिजनेस पे असर अच्छा नहीं होता है। सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिवाइव करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रुके हुए कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने कॉन्ट्रैक्टर्स को नई आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को अपनाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा बैंक गारंटी के बदले किसी विवाद में फंसी 75% रकम निकालने को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही एक नया कंसिलिएशन बोर्ड बनाने को भी मंजूरी मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की GDP में 8% हिस्सेदारी है और इससे 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन से जुड़े सभी नए प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई जाएगी। द कैबिनेट डिसाइडेड दैट व्हेन एन अवार्ड हैज बीन मेड एंड अ पब्लिक बॉडी इज चैलेंजिंग द सेम अगेंस्ट अ मार्जिन फ्री बैंक गारंटी बीइंग गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, 75% of the amount will have to be released to him. And this 75% of the amount will have to be spent by the contractor in completing the project and in discharging the bank and financial institution's dues. नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कहना है कि इकोनॉमी में तेजी के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ाना होगा।
उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिवाइव करने के लिए कैबिनेट ने नीति आयोग के प्रपोजल को अप्रूव किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अमिताभ कांत सर। सर, ये जो इनिशिएटिव लिया है कैबिनेट ने अप्रूव किया है नीति आयोग के इनिशिएटिव को, क्या फायदे होंगे रियल एस्टेट? देखिए, ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 8% GDP कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से आती है, 40 मिलियन जॉब्स आती हैं, ये सेकेंड हाइएस्ट रेसिपियंट है FDI का। और ये सेक्टर अगर फंसा रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 9-10% की ग्रोथ को लाना ज़रूरी है, तो इस सेक्टर को स्ट्रेस करना जरूरी था। इसलिए जो जहां आर्बिट्रल अवार्ड्स आ चुके हैं वहां 75% पैसा इन कंपनीज को दिया जाएगा कि आप अपने या तो बैंक के डेट्स को कम करिए या पर अपनी प्रोजेक्ट्स जो इनकम्प्लीट हैं उसको कंप्लीट करिए, और रेयर केसेस में नए प्रोजेक्ट्स को भी ले सकते हैं वो। तो हमारा जो लक्ष्य है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बहुत ज़ोरों से आगे ले जाएं। डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, जहाँ जहाँ डिस्प्यूट्स हों वो नए आर्बिट्रल मैकेनिज्म में जाएं। सर, DFS और RBI ने जो कहा गया है कि स्टेट सेक्टर को के लिए एक कमेटी बना के उसको करें, वो कब तक होगा? और वो वन टाइम स्कीम होगी, वो RBI और DFS आपस में डिस्कस करके कैसे सेक्टर को डिस्ट्रेस करें, क्या कर सकते हैं कि इस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके, वो RBI और DFS डिसाइड करें। आखिरी सवाल सर, ये सारे पुराने जो प्रोजेक्ट होंगे या तमाम जो ये सारे जितने रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उनको शुरुआत एक बड़े जोरों की शुरुआत मिलेगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगी, और ये गवर्नमेंट का बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही फार रीचिंग डिसीजन है। तो जो फंसे हुए प्रोजेक्ट जैसे लॉ में भी जो कोर्ट में फंसे हैं उन पे भी लागू होगा पुराने? बिल्कुल, सारे केस कट ऑफ किया होगा। कोई कट ऑफ नहीं है, जितने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं सब पर लागू। सरकार ने देश में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने विदेशी निवेशकों को परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस देने को मंजूरी दे दी। इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने परमानेंट रेजिडेंसी स्कीम पर कैबिनेट को नोट भेजा था। इस मंजूरी के बाद विदेशी निवेशकों को बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल विदेशी निवेशकों को 5 साल का बिजनेस वीजा मिलता है। इसके अलावा विदेशी निवेशक भारत में प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे। फिलहाल NRIs और PIOs को रेजिडेंट स्टेटस मिलता है, और कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सुविधा मौजूद है।